प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम हम ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं और आज हम इसमें करेंगे व्हाट आर एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स किसको कहते हैं द एडजेक्टिव्स आ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन आर एड टू इट्स मीनिंग एडजेक्टिव वो है जो नाउन या एक प्रोनाउन की को डिस्क्राइब करता है या उसके अंदर और मानी लेके आता है जैसे एडजेक्टिव अ अनाउन और मॉडिफाई अनाउन और प्रोनाउन मसलन अ नाइस बुक नाइस जो है वो एडजेक्टिव है और बुक नाउन है एक अच्छी किताब तो किताब को डिस्क्राइब कर रहा है और मॉडिफाई कैसे करता है एन इंटेलिजेंट पर्सन पर्सन नाउन है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है यानी एक मॉडिफाई करता है कि एक पर्सन का हमें पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट है जहीन है तो प्यारे बच्चों हमारा रब जो है उसने कायनात बनाई हमें बनाया चांद सूरज बनाए और उसने अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लिया और वो अपनी सिफात से पहचाना जाता है तो प्यारे बच्चों कुरान जीत को तरजे के साथ पढ़ो अल्लाह को अपने रब को पहचानो उसकी सिफात से अल्लाह दिलों के हाल जानता है अल्लाह हमारे पर रहम करने वाला है अल्लाह हमारा खालिक है राजिक है तो जब तक हम कुरान नहीं पढ़ते हम अपने अल्लाह को नहीं जान सकते अल्लाह अपनी सिफात से पहचाना जाता है एडजटिव ऑफ क्वालिटी द डेफिनेशन इज इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन जो किसी नाउन की क्वालिटी को बताता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं इन ईजी वर्ड्स वी कैन से दैट इट प्रेजिज द नाउन आर टेल द गुड थिंग्स अबाउट द नाउन हम आसान लफ्सों में कह सकते हैं कि ये नाउन की तारीफ़ करता है या नाउन के बारे में अच्छी चीज़ें बताता है जैसे आ ब्यूटीफुल प्लेस वो जगह जो है कैसी है खूबसूरत है तो ब्यूटीफुल इज़ अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी चीज़ की मकदार के बारे में बताता है हमें इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ नाउन एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी आर दर्ड्स जैसे मैनी मच लिटल अ लिटल फ्यू अ फ्यू जैसे आई हैव मैनी स्टूडेंट्स मैनी बहुत सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी है आई हैव मच पेट्रोल फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स मच इज यूज एंड फॉर काउंटेबल मैनी इज यूज एडजेक्टिव ऑफ नंबर इट एक्सप्रेसिज द डेफिनेट क्वान्टिटी ऑफ नाउन और इन ईजी वर्ड्स वई कैन से दैट इट टेल्स आस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ समथिंग एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात करता है जैसे आई हैव थ्री स्टूडेंट्स तो मैनी की बजाय काउंटेबल का उसने नंबर बता दिया तो थ्री जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है आई जो है वो सब्जेक्ट है शोइंग द और uh, five और three कोई भी नंबर हो सकता है दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर और स्टूडेंट्स जो है वो नाउन डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डज नॉट टेल एग्जैक्ट नंबर आई हैव मैनी बट एडजटिव ऑफ़ नंबर टेल एग्जैक्ट नंबर आई हैव टू कार्स क्वांटिटी में वो uh, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें एग्जैक्ट नंबर का पता इसी तरह सम हम नेम कलर्स इनको एडजेक्टिव ऑफ कलर कहते हैं जैसे येलो किरेन ब्लू मार्कर ब्राउन डॉग एंड ग्रे कैट ये एडजेक्टिव ऑफ कलर कहलाते हैं फिर इसी तरह सम नेम शेप्स स्क्वायर फ्रेम राउंड पॉट एंड ओवल डायमंड तो ये जो है हमें शेप्स के बारे में बताते हैं तो इन्हें ऑफ शेप्स कहते हैं इसी तरह आप जब देखें ये आपको एक स्नेक है तो स्नेक के जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं ये क्वाइल्ड है ये, ये कुंडली मार के बैठा हुआ है तो शेप एडजेक्टिव आ गया क्वाइल्ड लॉन्ग है तो साइज एडजेक्टिव कहेंगे स्केली है तो ये इसका सेंसरी एडजेक्टिव हो गया प्रोटेक्टिव uh, है इसकी ये अकॉर्डिंग तो ये इसका कंडीशन एडजेक्टिव हो गया और ग्रीन और ब्राउन ब्लैक डॉट्स हैं तो ये कलर एडजेक्टिव हो गया तो एक नाउन के बहुत सारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जो उसको डिस्क्राइब करें इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ औरिजन जो नेशनैलिटी बताते हैं कम्युनिटी की ओरिजिन बताते हैं जैसे इटालियन डिश एंड अमेरिकन सॉन्ग अ मेक्सिकन हैट अ वेस्टर्न मूवी जो ओरिजिन से बताते हैं किस मुल्क से बिलोंग करता है उसे ओरिजिन एडजेक्टिव uh, कहते हैं तो प्यारे बच्चे उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें